हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सीन कुछ ऐसा है, इस वक्त सुबह के 9 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मैच खेलने। किधर जाना है पता नहीं, कौन सा ग्राउंड है, बस जाना है ग्राउंड के अंदर और जाके खेलना है मैच। तो बस फिर आ जाओ मेरे नाल, सीधा ग्राउंड जाके मिलते हैं। मैच शुरू है और मैच बिल्कुल एंड हो रहा है इस वक्त, ठीक है। 2 ओवरों में 3 ओवरों में 21 रन चाहिए, 3 ओवरों में 21 रन चाहिए। 217 का टारगेट था और बड़ा भी है किस्म का मैच चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई साहब ये देखो, ये मेरा भाई कराया था बॉलिंग, आपके भाई के पास सीधी सीधी बॉल है, आपके भाई ने की उड़ने की कोशिश हो, लेकिन उड़ने से पहले जहाज क्रैश हो गया और हो गई 4 रन। एफर्ट अच्छी की थी लेकिन मेरे पैर में पैर फंस गए और 4 रन हो गए, बॉल हाथ पे लग के बाउंड्री से बाहर चली गई। अफसोस तो हुआ था मुझे थोड़ा सा। उसके बाद बॉलिंग कर रहा था नाफिज़ जाहिद और बैट्समैन ने फिर एक दफ़ा फिर मारी शॉट आई लॉन्ग ऑन की तरफ। मुझे तो वैसे ही बॉल जो है वो सेफ नज़र आती है, स्पेशली जब लाल हो, तो फिर फाड़ लिया मैं और बैट्समैन को भेज दिया वापस। तो ये 2 आपके भाई की फील्डिंग के अंदर एफर्ट थी, बारी तो आई नहीं क्योंकि भाई ने स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर दिया था, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। It's too late now. I remember everything.
everything. And how careless we could be. And how careless we could be. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उम्दा बैटिंग की है सिकंदर, तहसीन और अर्शद, माशाल्लाह 219 ओवर में चेज। सामने वाली टीम जितनी बड़ी थी उतनी छोटी पड़ गई। बारे में नाफे बहुत वाइटिंग कर रहे थे लेकिन विकेट भी ले गए। तालियां यार नाफे यार। मेरा कैच चीकू के लिए भी यार अप्रिशिएट करना पड़ेगा। चौका बचा रहे थे लेकिन बचा नहीं पाए। अच्छा तो भाई साहब सीन कुछ ऐसा कि मैच ग्राउंड से निकल के हम लोग अभी कुछ खाना खाने जा रहे हैं। आज के मैच होता है मैच जो डाला वो था मेरा भाई ने जो बारी खेल दिया ना, मैं कहता हूँ मजे आ गए। सुभान अल्लाह 94 रन किए मैंने 45-46 बॉलों पे और क्या ही मजेदार किस्म के छक्के मारे। जहाँ बदला लेने के टाइम थे ना, बदला लेने का वहाँ पे छक्के मारे और क्या ही मजा आया। जिससे एक बंदे फड्डा हो गया दरमियान में, उसको जब पहले ना छक्के फिर मैं कहता हूँ मज़ा आ गया यकीन करो। उसके बाद एक लड़का सिकंदर, उसने बड़ी अच्छी 70 रन नॉट आउट किए एंड तक खड़ा। ये भाई की बारी थी, ये भाई पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो गए यार, शिट यार। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना, भूख बहुत लगी हुई है भाई साहब बहुत ज़्यादा। भाई साहब सीन कुछ ऐसा कि मैच वगैरह खेल के खाना खाना खा के घर वापस आ गए और इंतहाई थके हुए हैं यकीन करो। रात की भी नींद पूरी नहीं है, अभी सोएंगे रात तक सुकून से, तो बस फिर रात को मिलते हैं। Much later. चलो भाई साहब इस वक्त सीन कुछ ऐसा रात के कोई एक हो रहे हो, इस वक्त हम लोग आए हुए हैं एक दफा फिर से मंसूरा ग्राउंड में, क्योंकि यहाँ मैच चल रहा है फहद मुस्तफ़ा का और आसिम अज़हर लोग आए हुए हैं, उनसे तस्वीरें बना लेंगे और क्या चाहिए। आ जाओ फिर, शेख भी आया हुआ है। Making all those singles go for these batters. They have added 36 runs of 37 deliveries. Awesome. Hitting the bat, this looks close and the finger goes up. The bowling change works for... ...gates for Big Bang. Only time will tell. But a really crucial knock from Asim Azhar, an extraordinary innings comes to an end. We'll get the applause from the dugout. 47 of 37 tonight for the right-handed opener. Big Bang are 78 for 3. भाई साहब आज का हमारा टारगेट था पूरा हो गया। हम लोगों ने फहद मुस्तफ़ा, आसिम अज़हर और फिजान शेख इन तीनों के साथ तस्वीरें ले लिया, इंस्टाग्राम पे लगाए गए, ब्रदर मज़ा आ गया। लेकिन क्या ही मज़ेदार किस्म के छक्के मारे भाई साहब, बल्कि नहीं किसने अच्छी बारी की, आसिम अज़हर ने यार लंबा खेला लड़का, 46 रन किए उसने 110 में से भी, और क्या चाहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा घर भाई।
पे आ रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। हमारे पास ना शनाख्त कार्ड, ना बाइक के पेपर, हमारे पास कुछ भी नहीं। उन्होंने पकड़ लिया, भाई कहते नहीं आज नहीं जाने देते आप लोगों को, आगे हो आज आप हाथ मारे, आज नहीं। तो बस फिर थोड़े भाई के ताल्लुकात हैं, भाई ने थोड़े फ़ोन चोन किए तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। कोई 20-25 मिनट लग गए हमारे, अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा घर भाई, नॉन स्टॉप। एक चीज़ सीखने को मिली है कि भाई साहब अपने पास अपने कम से कम अपने डॉक्यूमेंट तो रखो ना। मैं अपना पर्स लेके आया हूँ, ना ये अपना पर्स लेके आया, ना हमारे पास गाड़ी के कागजात, हमारे पास अपने नाम के शनाख्ती का, हमारे पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं है भाई। इसलिए बस जस्ती जस्ती घर निकलते हैं, उससे पहले दोबारा कोई पुलिस वाला पकड़ ले। अस्सलाम वालेकुम, तो भाई साहब इस वक्त हो रहे हैं रात के 2। आज का मिशन कंप्लीट हो गया, मैच भी खेला है, फहद मुस्तफ़ा से भी मिल लिया, उसके बाद आसिम अजर से भी मिल लिया, फैजान शेख से भी मिल लिया। तो बस फिर वीडियो करते हैं, भी ख़त्म हो गई। लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऊंचा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 2 नहीं 3 बज चुके हैं। तो बाय।